हेलो मित्रा, हम लोग एक नए विचार के साथ, नए आयाम के साथ आज मिल रहे हैं, और वो नया विचार इसलिए है कि भारत एक ही मात्र ऐसा देश है कि जहां पे लैंग्वेज की काफी सारी विविधता है, और उसके अंतर्गत हम लोग में एक कहावत है कि हर 12 गांव के बाद बोली बदलती है। तो ये एकमात्र भारत, मैं समझता हूं, पूरे विश्व में ऐसा देश होगा कि जहां पे लैंग्वेज की पूरी आपको बास्केट मिलेगी, आपको लैंग्वेज की पूरी विविधता मिलेगी। आज हमारे बीच राजकोट के ही हम बोल सकते हैं, और पूरे राजकोट के हार्ट समा जो विस्तार है, जिसके नाम पे हम लोग काफी अपना गर्व महसूस करते हैं, याज्ञिक रोड जो हम पहचानते हैं, याज्ञिक रोड जो याज्ञिक साहब हैं, उसी के फैमिली के एक ऐसे तेजस्वी और होनहार आदमी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर याज्ञिक। थैंक यू। और ग्लोबल इंडियन स्कूल की तरफ से सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप, मैं समझता हूं, गुजराती होने के लिए और गुजरात का गौरव होने के साथ आपका लैंग्वेज पे काफी बड़ा आपका स्पेशलिटी है, आपके जी लैंग्वेज पे काफी अच्छा कमांड है। और सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर याग्निक जो हैं वो मोर देन 23 फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें भारत की लैंग्वेज को मैं अभी ऐड ही नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के बाहर की फॉरेन लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं, जो मोर देन 23 लैंग्वेजेस याग्निक साहब पहचानते थे। और याग्निक साहब बेसिकली चाइना में थे, और जी हमारे भारत के बड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी याग्निक साहब को चाइना से गुजरात वापस लेके आए, और उस टाइम पे वाइब्रंट था, और वाइब्रंट का पूरा मैनेजमेंट और पूरा डेलीगेशन के साथ बातचीत वो पूरा याग्निक साहब ने हैंडल किया हुआ है। आज हमें हर्ष है
कि याग्निक साहब पिछले काफी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकोट में ग्लोबल स्किल एकेडमी की स्थापना जो हुई उसमें याग्निक साहब तब से हमारे साथ हैं और आज ग्लोबल इंडियन स्कूल में भी पिछले एक साल से साथ हैं। और बच्चों ने जो स्पेनिश लैंग्वेज सीखी है वो मोटिवेशन याग्निक साहब की तरफ से मिला है और पूरा अटैचमेंट वो स्कूल के ही पार्ट हैं, वो मैं बोल सकता हूँ काफी हर्ष के साथ। और बच्चों ने एक साथ एक साल में याग्निक साहब के अंतर्गत ये लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल की है। आज मैं पूरे सौराष्ट्र को इसके माध्यम से आज मैं वापस जोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी की एक ऐसी इच्छा है कि गुजरात का हर बच्चा ग्लोबल बने, गुजरात का हर बच्चा लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी में खूब आगे बढ़े, गुजरात का हर बच्चा ग्लोबल पर्सनालिटी बने, क्योंकि बिजनेस हमारे रग रग में है और हम लोग एक्सपांड होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है लैंग्वेज। क्योंकि अगर आप चाइना गए, अगर आप फ्रांस गए, अगर आप न्यूजीलैंड गए, कनाडा गए, अमेरिका गए, कहीं भी गए, आपको लैंग्वेज अगर वहीं की बोली अगर आपको आती है तो आपको बिजनेस करने में काफी सुविधा होगी और आपका एक्सपेंशन बहुत बढ़ेगा। लैंग्वेज मैं समझता हूँ कि एक ही मुद्दा है सीखने के लिए, अगर आपको एक्सपांड होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी लाइफ में चार्टर प्लेन पे बैठना है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और वो लैंग्वेज के लिए आज पूरे सौराष्ट्र को, पूरे गुजरात को इसी विजन के साथ जोड़ रहे हैं। रूपाणी साहब का जो विजन है कि आने वाले सालों में हर बच्चा, हर स्कूल का हर बच्चा ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आगे बढ़े, तो ये विजन के साथ ही मैं और याग्निक साहब हम दोनों साथ मिलके, पूरी स्कूल साथ मिलके गुजरात के लिए ये मुहिम चलाते हैं। और वापिस में ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि मुझे एक ओवर खेलने की ही परमिशन है, बाकी 2020 आपको खेलना है, आपका हार्दिक स्वागत है। और ओवर टू प्रिंसिपल श्रीमती ऋचा अग्रवाल एंड वाइस प्रिंसिपल श्रीमती विभूति त्रिवेदी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर, वेलकम टू ऑल। थैंक यू। मेरे लिए बड़ी गर्व और खुशी की बात है कि आज इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं राजकोट और सौराष्ट्र की जनता से बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य यह है कि इन दिनों भारत हमारा कोरोना के प्रति बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है, पर इसमें एक और नया आयाम खुला है जो शायद हमने कभी गौर नहीं करा। हमने कई सारी नई चीजें सीखी है कोरोना की वजह से। एक, हमारे फैमिलीज को हम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। दूसरा, एजुकेशनल फील्ड में आज अगर एक साल पहले की बात करें तो लोग वेबिनार या ऑनलाइन टीचिंग से परे रखते थे और आज ये नौबत आई है कि आज हम ज्यादातर लोगों से वेबिनार या ऑनलाइन मीटिंग या तो ऑनलाइन एजुकेशन से हम बात कर रहे हैं उसी जरिए से। और कोरोना की वजह से हमारे पास बहुत सारे नए आयाम खुले हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य है मेहुल भाई साहब, आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग हियर प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम एंड एवरी अदर लिसनर्स हु आर लिसनिंग मी। मेरे लिए सही में खुशकिस्मती है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं और हम बात कर पा रहे हैं। प्लीज सर, इट इज आवर प्लेजर टू हैव यू। हम खुशकिस्मत है कि हम आपको सुन पा रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट आज हमारे बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ अनअवेयरनेस है, वो सारे क्लियर होंगे और इसी को साथ लेते हुए हम अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो हर एक लैंग्वेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ईच लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, बट इफ वी विश टू लर्न अ लैंग्वेज हाउ शुड वी स्टार्ट विद इट, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज?
देखिए मैं फिर से उसी बात पे वापस जा रहा हूं कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारा जन्म इंडियन यानी हिंदुस्तान में हुआ है, और चूंकि हम भारत में जन्मे हैं, हमारी फैमिली लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज कही जाती है, जैसे अगर मैं गुजराती फैमिली से पला बढ़ा हूं तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती है, मैं अगर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ हूं तो मेरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और अगर मैं स्टेट में जिसमें रहता हूं वो स्टेट की भाषा या तो वो कंट्री की भाषा हिंदी है, तो मैं तीन चार भाषा तो वैसे ही बोल लेता हूं। और यही चीज अगर आप कोई ब्रिटिशर्स और अमेरिकन से बात करें तो उनके लिए दूसरी लैंग्वेज सीखना यानी एक नया जन्म लेने के बराबर है। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमको तीन चार भाषा तो वैसे ही आती है, इसलिए अगर पांचवी या छठी भाषा सीखनी है, चाहे वो उसको आप फॉरेन लैंग्वेज बोल दे, वो बड़ी आसान है, तरीका बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास वो बिल्ट इन स्किल है, मल्टीलिंग्विस्ट स्किल है हमारे ब्रेन में, जो पांचवी छठी या दसवीं या बाईसवीं भी लैंग्वेज आप बिल्कुल इजीली एडप्ट कर लेते हैं। रही बात तरीके की, तो तरीके बहुत अलग अलग है, पर आम तौर पे जो भारत में जिस तरीके से सिखाया जाता है, जिसको मैं कहता हूं दुर्भाग्य से, वो टिपिकल क्लासरूम पेडागोजी है, यानी हम पुस्तक खोल के पेज 1 से पेज 100 तक पढ़ते हैं, जिसको हम सिलेबल बोलते हैं, जिसमें हम ग्रामर लेते हैं, टेंसेस लेते हैं, वोकैबुलरी लेते हैं। आम तौर पे भाषा सीखने में ये चीजें सेकेंडरी है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको ध्यान दे, जो आज स्कूल नहीं जा रहा है पर फिर भी आपकी भाषा में वो आपसे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वर्ड बात कर लेता है, तो उसने कौन सी टेंसेस सीखी है, उसने कौन सा ग्रामर सीखा है, तो वो जो बच्चे ने जो तरीके से सीखा है वही तरीका हमको एडल्ट एजुकेशन में, या तो अगर हम ग्लोबल स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे बच्चों को सिखाना है, ताकि भाषा सीखने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान हो जाए, और कहीं पे भी आपको, क्योंकि लैंग्वेज सीखना ये बोरिंग काम है आम तौर पे। अगर 80% लोगों को बोले कि मैं भाषा सीख रहा हूं तो सिर पकड़ लेगा, बोलेगा यार ये कैसी बात हुई, लैंग्वेज सीखना यानी टेंसेस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वोकैबुलरी है, नहीं 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 नहीं, ऐसे भाषा नहीं सीखी जाती। अगर ऐसे ही भाषा सीखी जाती तो कोई भी इंसान आज की तारीख में भारत में अनपढ़ नहीं होता, पहले वो पढ़ता फिर वो बोलता, पर आज वो बोल सकता है पर लिख पढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं नहीं मानता भाषा हमारे लिए, और जब आप स्पेशली अगर ग्लोबल स्किल में आते हैं, मैं नहीं मानता वो कोई बड़ी बात है, वो चांद पे जाने से भी बहुत सरल चीज है भाषा सीखना। सही, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं सर, कि एक्चुअली लैंग्वेज इज मेनली टेकन एज ग्रामर, व्हिच इज एक्चुअली इट इज नॉट दैट वे। बट जो ये एक पॉइंट लिए आप कि बच्चा बचपन से जो लैंग्वेज बोल पाता है बिकॉज ही इज हियरिंग दैट all around people are speaking that language. In school he learns English because usko wo atmosphere mil raha hai. Bilkul. To agar hum koi dusri bhasha mein enter karte hain to hum wo bina atmosphere ke isko kis tarike se adopt kare? Dekhiye, main mahad ansh se yani anshik swarup se aapke sath agree hu ki bhasha sikhne ke liye aapke paas vatavaran hona chahiye. Vatavaran mein ये चीज अगर आपने 98 में या 1960 में बोली होती तो मैं बात बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आसपास के लोगों से आप अगर सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा भी वैसे ही सीखता है। इट इज कॉल्ड इंट्रैक्टिव पेडागोजी लर्निंग अ लैंग्वेज। पर आज के दिन में जैसे आप खुद अभी आज वेबिनार में है, आप चाहे मेरे से कोसों दूर हैं पर फिर भी हम बिल्कुल हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो अब कहां वो लिमिटेशन रही मैम? हमारे हाथ में एक 6 इंच का मोबाइल फोन है जिसमें सारा विश्व आ चुका है। कभी कोशिश करी है आपने उसमें भाषा ढूंढने की या सीखने की? आज यूट्यूब में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, आम तौर पे बहुत सारी अलग चैनल्स हैं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भाषाएं सीखी जाती है। कोशिश तो करें, आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। अब समझ लीजिए भाई, छोटे बच्चे हैं, हम 6 इंच का मोबाइल फोन नहीं है, फिर समझना सिखाते हैं और फिर बोलना सिखाते हैं।
जी मैम सर, एट ग्लोबल इंडियन स्कूल वी बिलीव के जितना जल्दी जितनी कम उम्र में बच्चों को सिखाए जाए लैंग्वेज उतना जल्दी वो अडॉप्ट कर लेते हैं. हाँ जी. So how much it is true the belief of this getting learned in tender age? देखिए दो, there are two different version of learning a language. पहला वर्जन ऐसा है कि मैं प्रोफेशनल फील्ड में हूं, मैंने अपना करियर डेवलप कर चुका है, या तो मुझे उस मकाम पर पहुंचना है जहां पे मुझे और भी आगे इंस्पिरेशनल चीजें लेनी है और भी आगे मुझे ब्रेक इवन लेना है. तो एज एन एडल्ट लर्निंग में लैंग्वेज सीखने जाता हूं, पर जब मैं वो लैंग्वेज सीखने जाता हूं जब मैं एडल्ट हूं, अगर मैं 20 22 या 25 साल का हूं और मैं लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस टाइम पे मेरे पास दो बहुत अहम चीजें आती हैं. एक, मेरे पास समय का अभाव है, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मेरी एक टेंडर एज पे समय था. जो मैं स्कूल में था तो मेरे पास प्रायोरिटी क्या थी कि भाई माँ बाप डांटेंगे अगर स्कोर नहीं करा तो, 8 घंटे या 10 घंटे मुझे सिर्फ पढ़ना है. पर आप जब एडल्ट एज पर पहुंचते हैं, जब आपके पास प्रायोरिटी अलग है, तो आपके पास वो समय नहीं है. समय नहीं है इसलिए आप ये करते हो कि आप उसके प्रति ध्यान कम देते हो, और जब आप ध्यान कम देते हो तो आप वही सीखते हो जितना आपको सीखना है. उसके बाद एक मकाम ऐसा आता है जहां पे आप ये कहते हो कि नहीं यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास घर बार है, बच्चे हैं, बीवी हैं, दोस्त हैं, पढ़ाई है, नौकरी है. पर जब मैं एक छोटा बच्चा हूं, अगर मैं 6 साल का या 7 साल का हूं और मैं अगले 2 साल 3 साल या 5 साल तक जो भाषा सीख रहा हूं उसको भूलने में मुझे जिंदगी लग जाएगी, क्योंकि मैंने इतना ठूस ठूस के मेरे दिमाग में मेरे प्रोसेस में भरा है. जब मेरी स्किल डेवलप हो रही थी, यानी लिंग्विस्टिक स्किल्स जो हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ समय पहले बताया कि हमारी बायलिंगुअल स्किल इतनी डेवलप्ड है कि 4th, 5th, या 10th लैंग्वेज सीखने के पीछे कोई बड़ी बात नहीं होती है. क्योंकि आम तौर पे हम या हमारे बच्चे म प त थ ध ब ण क्ष स छ ये सारे चीज आसाम से बोल लेते हैं, जबकि यही चीज कोई विदेशी अगर आप देखे, चाहे वो ब्रिटिशर हो या अमेरिकन हो, उसको बोलने में अरसों लग जाते हैं, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दो साउंड्स. सो फॉर देम हैविंग अ मोर क्लैरिटी ऑन इट टेक्स एजेस. हमारे बच्चों को वो चीजें नहीं है. बेहतर यही है कि आप 6 या 7 साल का बच्चा हो जब वो भाषा सीखने की कोशिश करे, अगर उसी प्रोसेस में आगे जाते तो जब वो 12, 13, या 15 साल का होता है तो कम से कम 5 भाषा बोल लेता है. जब विश्व की 5 भाषा यानी पूरा विश्व आपकी जेब में, उसके बाद तो आपको सिर्फ देखना है कि करियर कहाँ पे डेवलप करनी है और उसका फायदा कैसे लेना है. तो बेहतर यही है कि आप जितना कम उम्र में बच्चों को अगर आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश दें, उतना ही बेहतर तरीके से वो सिर्फ लैंग्वेज में नहीं अपनी पढ़ाई में भी एक्सेल करेगा. क्योंकि साइंस ने ये प्रूव करा है कि जितनी भाषा ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही आप अपने दिमाग की प्रोसेस ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, रैपिड कर सकते हैं, ग्रास्पिंग अच्छी तरह से ले सकते हैं. एक बहुत ही बड़े ग्रीक मैथोलॉजिस्ट ने कहा है कि द मोर लैंग्वेज यू स्पीक द मोर यू टेक अ बर्थ. मतलब एक ही जन्म में आप 22 जन्म लेते हैं अगर आप 22 भाषाएं बोल लेते हैं. तो बेहतर यही है कि आप जितनी टेंडर एज पे अपने बच्चों को लैंग्वेज के प्रति दबाव डालें, उतने ही बेहतर तरीके से वो अपने करियर में एक्सेल होगा. सिर्फ भाषा का करियर लेना है वो जरूरी नहीं है, पढ़ाई की बात है. तो पढ़ाई में भी तेजस्वी तभी होगा जब वो उसके दिमाग की प्रोसेस और रैपिड होगी. और शायद लैंग्वेज और दूसरा म्यूजिक, ये दो ही चीज ऐसी है जहां पे आपके भाषा और आपको पढ़ने की प्रति ये चीजें खुलेगी, ये नया आयाम खुलेगा. जी सर, जी दैट इज एब्सोल्युटली नोटवर्दी सर, वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर पेरेंट्स दोज हु आर लिसनिंग विल फोकस ऑन दिस, एंड इवन वी एज अ स्कूल एंड वी आर ऑलरेडी अडॉप्टिंग दिस. पर अब भी ये जरूर लगता है कि जब बच्चे छोटे हैं तो वी सेड यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट टुडे वी हैव सो मेनी मीडियम्स ऑफ इम्पार्टिंग द लैंग्वेज और लर्निंग न्यू स्किल्स, उसमें कोई कमी नहीं है. एब्सोल्युटली वेल सेड. बट तो भी छोटे बच्चों को अगर कोई लैंग्वेज करवानी हो तो उसके लिए व्हाट शुड बी द स्टेप? मैं थोड़ा इलोबरेट करना चाहता हूँ आपके सवाल को.
आप ये कह रहे हैं कि अगर एक छोटा बच्चा है और उसको भाषा सिखानी है तो कौन सी भाषा सिखानी चाहिए? हाँ ठीक है, देखिए इधर थोड़ा सा हम हटकर बात करते हैं, माफी चाहता हूं अगर कहीं पे मेरा कोई अविवेक हो इस बात में, लेकिन मैं ये मानता हूं, देखिए मेरे निजी एक्सपीरियंस में ये चीजें मैंने देखी है, जैसे कई बार मैं प्रोफेशनल फील्ड में एज एन इंटरप्रेटर जाता हूं, खास करके मैं जापानीज और चाइनीज की बात करूं जो आज बहुत इंपॉर्टेंस है इस बातों को लेकर, तो जब जापानीज प्रेसिडेंट साहब या जापानीज प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई जापानीज कॉरपोरेट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको मेरे से भी यानी मुझसे भी अधिक बेहतर तरीके से अंग्रेजी आती है, फिर भी जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो वे क्या करते हैं, जब अपनी सिग्नेचर करते हैं तो वो जापानीज में करते हैं या चाइनीज में करते हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत अहम बात है, ये बात है हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने कल्चर और ट्रेडिशन के प्रति कितना लगाव है उस पर, चाहे आप कितने भी निपुण क्यों ना हो कोई भाषा में पर आप अपने संस्कार और अपने कल्चर कभी नहीं छोड़ते, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर मैं लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड छोड़ दीजिए मैं भारत की बात करूं, तो दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाओं में से एक हमारी भाषा है जो संस्कृत है, और संस्कृत सबसे शुद्ध भाषा है दुनिया में, मतलब ये माना जाता है कि अगर आपने संस्कृत बोल दिया तो दुनिया की किसी भी भाषा आप बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं, पर दुर्भाग्य है कि हम कभी संस्कृत एग्जाम को पास होने के परे हमने देखा ही नहीं है, हम जब सातवीं आठवीं या नौवीं कक्षा में थे हमने संस्कृत इतना ही सीखा कि जब एग्जाम में बैठे तो हमको 17 मार्क्स आ जाने चाहिए, 40 में हम निकल लिए, बात खत्म हो गई। तो सबसे पहला मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है कि आप कोशिश करें कि आप अपनी कल्चर और अपने ट्रेडिशन को न छोड़ के अपने बालक को सबसे पहले अपनी एक फैमिली लैंग्वेज बहुत सही तरीके से सिखाएं, जो आप अपने घर में वो एटमोस्फेयर है उसके लिए आपको बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, और जब सेकंड लैंग्वेज आती है जिसको हम फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, वो फॉरेन लैंग्वेज चाहे वो भारत की कोई भी और एक लैंग्वेज हो, अंतरराज्यीय लैंग्वेज हो या चाहे अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज हो, उसमें दो अहम तरीके आपको देखने हैं। अगर आप मेरे स्क्रीन को देखें, आई एम गोइंग टू शेयर यू अ स्क्रीन विच इज मोर इंपॉर्टेंट विच विल बी इजी फॉर मी टू रोल, आई एम स्विचिंग ऑफ माई कैमरा सो दैट यू विल बी एबल टू फोकस ऑन माई स्क्रीन। मैं कुछ दो चीजें इस स्क्रीन पे लिख रहा हूं, and in this if you see I'll go for the okay well I'm here writing a and similarly I'm writing a in English and I'm writing this which is in Chinese, ठीक है। अब foreign language की जब हम बात करें तो हमारे पास तीन किस्म के आयाम है, एक जो भारतीय भाषा है जिसको हम traditional language कहते हैं, so I write for T, दूसरा जो alphabetical है। अब देखिए मैं आपसे कुछ लिख रहा हूं जिसको आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैं आपका नाम बताना चाहूंगा। नाउ हियर दो आई स्पोक हिंदी बट हैव रिटन कोलोकियली व्हाट वी कॉल इज अल्फाबेटिकल लैंग्वेज, हाउएवर इन राइटिंग कोलोकियल इट इज सेड इट्स अ ट्रेडिशनल लैंग्वेज व्हाट आई स्पोक इन हिंदी। सिमिलरली जब मैं चाइनीज लिख रहा हूं तब मेरे पास इसी किस्म की ये भाषा आती है विच इज दिस। सो जब मैं ये लिख रहा हूं तो ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, जब मैं अल्फाबेटिकल लिख रहा हूं तो ये कोलोकियल लैंग्वेज है, और जब मैं अ यानी हिंदी में लिख रहा हूं तो ये हो गई हमारी इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज। अब आपको समझना ये है कि आपके बालक को ट्रेडिशनल लैंग्वेज पे ध्यान देना है,
अल्फाबेटिकल यानी कि कोलोकियल लैंग्वेज पर ध्यान देना है, या तो ट्रेडिशनल यानी कोई भी जापानीज, चाइनीज, कोरियन, वियतनामीज जैसी कोई भाषा में हमको ध्यान देना है। जब हम टेंडर एज की बात करते हैं तब हमको दो बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, मैं माफी चाहता हूं, कभी कभी टेक्नोलॉजी भी हमको धोखा दे देती है। तो मैंने जो स्क्रीन पर आपको दिखाने चाहा, मैं मानता हूं आपको आपको वर यू बी एबल टू रीड इट? सो द लैंग्वेज व्हिच वी न्यू वी कुड रीड इट बट यू कुड सी द स्क्रीन राइट? या वी कुड सी द स्क्रीन। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो तीन किस्म की भाषा सीखता है। एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज जिसको मैंने आपको बताया अ ब क ड की भाषा है, दूसरा है कोलोकियल लैंग्वेज जिसमें हम अंग्रेजी सिखाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी, और तीसरी भाषा जो हम सिखाना चाहते हैं यानी ग्लोबल स्किल पर, वो चाहते हैं हम जापानीज या चाइनीज। और वो इसलिए कि इस टेंडर एज पे जब मैं वो जापानीज चाइनीज के रीडिंग राइटिंग स्किल पर अगर मैं ध्यान दूंगा तो 5-7 साल के भीतर वो इतना कमांड लेगा अपनी भाषा पर जितना वो हिंदी में या इंग्लिश में ले सकता है। पर जबकि यही चीज आप जब बड़े होकर यानी एडल्ट एजुकेशन पर ये भाषा सीखने जाते हैं तो इतना जल्दी यानी इतना क्विक लर्निंग नहीं होता है। और वो इसलिए कि हमारी मल्टीलिंगुअल स्किल फारली डेवलप्ड हो चुकी होती है, वो एडॉप्शन में नहीं जाती है। जबकि एक छोटा बच्चा पौधे की तरह होता है, जैसे मुड़ना चाहो वो मुड़ सकता है, हम अकड़ जाते हैं, हम नहीं एक समय से आगे जा पाते। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं मानता हूं सबसे पहली भाषा हमारे छोटे बच्चों को सिखानी है स्पैनिश, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। उसके बाद एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज पे हम जाएंगे और उसके बाद फिर से कोलोक्यूल लैंग्वेज पे जाएंगे। मैं मानता हूं, अगर मैं गलत ना हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्लोबल स्किल में सोच रहे हमारे हर एक बच्चे को कम से कम 3-4 भाषा सिखाई जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से पिछले साल हमने सिखाया था स्पैनिश, अब शायद जो भी ट्रस्टीज और प्रिंसिपल मैम जो डिसाइड करेंगे वैसे हम आगे जाएंगे। बट यही तरीका है कि 4-5 साल के भीतर हमारा बच्चा कम से कम 4-5 भाषा बोलते बने, और वो वैसा नहीं जैसा आज बोलता है, वैसा कि जैसा वो उस उम्र में बोलेगा वही उम्र में वही प्रोफिशिएंसी में इस सारी भाषाओं को बोल पाएगा। ये मेरा विचार है और यही हमारा ग्लोबल स्किल का कल्चर है और यही ट्रेडिशन है। इट इज नेम, इट इज फारली मीन फॉर इट व्हेन आई से ग्लोबल स्किल, सो इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म व्हाट वी आर गोइंग एट मैम। एब्सोल्युटली सर, आप और आपके इसी थॉट को लेते हुए ही हमने ग्लोबल इंडियन स्कूल में वी हैव कम अप विद सो मेनी लैंग्वेजेस and always you have supported with all this Spanish. Ab school ke bacche sab itni comfortably bol rahe hain, yes not very fluently par jitna bhi seekhe hain it has developed the interest in language. Now they feel like going ahead with it. Aur jaise aapne bataya ki ek nayi language ek naye jan ke barabar hai, ye unke har ek cheez mental development physical development har cheez mein kaam hone aayegi. So the school is looking forward for going with many other languages ahead. Privilege. नहीं, I'm sure many parents who would be listening, they would ये जो unawareness थी कि छोटे में, बल्कि there are people those who would be believing कि ये अब छोटा है तो शायद ज्यादा चीजें नहीं सीख सकता है, but it's not this way and it's the other way round. That the smaller the child and the sooner he can grasp the language, the faster he can take the language. Yes, it is true. Very true, ma'am. Right. One thing more, sir, I was curious to know the way we go when we try to teach English to child and right. we start with alphabets, A, B, right. C, D. Right. So does it really help the child to learn the language? जो हम टेक्निकली हम ग्रामर से ही आगे बढ़ रहे हैं, सोचिए तो जब हम अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। देखिए मैम,
मुझे आदर है मेरे गुरुओं के प्रति जिन्होंने आज मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है, क्योंकि मैं भी एक गुजराती माध्यम से पला बड़ा हूं और कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ फैकल्टीज मुझे पसंद भी आई है और कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ फैकल्टी पसंद नहीं आई है। वेल, अपने अपने तरीके हैं सिखाने के, लेकिन मैं ये मानता हूं जब भाषा सीखने की बात आती है तो हमको दो चीजें ध्यान में रखनी है। जब ग्लोबल स्किल में हम इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी कि जैसे इंग्लिश ऐसे की बात है, इंग्लिश हिस्ट्री की बात है, तब ग्रामर, टेंसेस, पार्ट ऑफ द स्पीच मोर इंपॉर्टेंट। यस इंडीड, क्योंकि उसके बगैर हम रिफाइन नहीं कर पाएंगे अपनी भाषा को। इट इज अबाउट रिफाइनिंग अ लैंग्वेज, इट्स नॉट जस्ट बीइंग स्पोकन। पर जब हम भाषा बोलने की बात करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए जो भी हमारे लिसनर्स हैं उसमें कई सारे ऐसे होंगे जिनको आज भी सारी जिंदगी अगर अंग्रेजी पढ़ लिए है पर आज जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो बोलेंगे यार आदित्य ये हम बोल नहीं पाते हैं। आप बोलोगे हम समझ लेंगे, पर जब हमारी बोलने की नौबत है हम बोल नहीं पाते हैं। तो भाषा में दो अहम चीजें हैं, क्या भाषा आप लिखने पढ़ने के लिए सीख रहे हो, क्या आप भाषा सिर्फ बोलने और समझने के लिए सीख रहे हो, ये आपको बहुत ध्यान में रखकर करना है। हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, हमने कभी बोलने की कोशिश नहीं करी है और शायद इस वजह से आज की तारीख में हम बोल नहीं पाते हैं। मैंने कई एग्जाम्पल देखे, इवन हमारे स्कूल में भी जब हमारा बच्चा स्पैनिश लेसन्स को लेकर घर पे जाता है, वो बोलने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स ये कहते हैं यार हमको समझ में नहीं आती ये क्या बोल रहा है, तो हम उसको डिस्करेज करते हैं, ये मत करो आप, ये बहुत गलत है। क्योंकि जब आप एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम डिस्करेज तो मत करो, क्योंकि आप डिस्करेज करोगे तो ये नौबत ये ऐसा है कि उसको एटमोसफियर नहीं मिलेगा, बच्चे को जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस डाउन होगा और उस बदौलत क्या होगा कि उसकी पढ़ाई लिखाई पढ़ाई से सीमित रह जाएगी, वो लिख पढ़ सकेगा। आज की तारीख में 50% बच्चा लिख पढ़ सकता है पर वो बोल नहीं सकता, और आप कंप्लेन दे रहे हो कि अरे बोलता नहीं है, बोलता इसीलिए नहीं कि हमने कभी उसको एक्सपोजर नहीं दिया है। तो कोशिश ये करें कि भाषा सीखने के लिए ना ही टेंसेस, ना ही ग्रामर, ना ही टर्मिनोलॉजी, पर एक्सपोजर होने की जरूरत है। आप कुछ वेबिनार्स जो फ्री अवेलेबल होते हैं, कुछ पॉडकास्ट जो अवेलेबल वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, कुछ यूट्यूब लेसन्स है, आप सिर्फ 10 मिनट उसको प्ले करके उसको सुनवाएं, उसको समझाएं। आप फैकल्टी से बात करने की कोशिश करें कि आज अगर आपने डेज या मंथ्स ऑफ द ईयर्स सिखाए हैं तो घर पे भी वही चीज को पुनरावर्तन करें, और वो पुनरावर्तन करने से अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, वो सुनता है, वो समझता है और उसी को वो रिस्पॉन्ड करता है। और ये बहुत अहम चीज है, आप सिर्फ अल्फाबेट्स, टेंसेस, ग्रामर तक सीमित न रहे, क्योंकि उसी को लेकर हम अगर भाषा बोलते तो आज मैं हिंदी बोलता हूं पर हिंदी के कोई पद या युक्त मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ग्रामर नहीं सीखा है, मैंने बोलना और समझना सीखा है। आज हमको भी पूरी गुजराती या पूरी इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि हमने ग्रामर नहीं सीखा है, हमने सिर्फ वोकैबुलरी या हमने सिर्फ इंट्रैक्टिव पेडागोजी से भाषा को अडॉप्ट करने की कोशिश करी है, और वही चीज हमारे बच्चों को भी अडॉप्ट करवानी है। इट्स अ वेरी न्यू पेडागोजी ऑफ लर्निंग, जैसे हम वेबिनार पे हैं, पहले नहीं था, पहले हम क्लासरूम में 50 लोगों को बिठाते थे और हम उसको समझाते थे, आज ये है कि 50 नहीं 500 लोग एक साथ हम सुन सकते हैं, हम इनपुट दे सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जी मैम, आज का ये सेशन हैज बीन मच ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां जो हम में हैं और आई एम श्योर किसी पेरेंट्स में भी होंगी वो आपने दूर की है, एंड वी आर ऑनर्ड एंड ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबल इंडियन स्कूल वी आर वेरी मच ग्रेटफुल दैट यू हैव वॉलंटियर्ड योर टाइम टू अस। थैंक यू मैम, वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर सच सेशंस एंड टीचिंग्स फ्रॉम यू। I indeed look forward to have further more sessions on it. And if I can be any help of time, at any point of time for Global Indian Schools, I'll be glad, more than happy to help you around. Please. Thank you very much. And thank you for the privilege giving an opportunity to address the Saurashtra Janta. For sure, I hope they'll be able to get some knowledge in it. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you so much, sir, for your participation. It was absolutely insightful. Thank you so much to be with us. Thank you, ma'am.
Have a good time. Goodbye. Bye-bye, sir.